हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से। जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है यहाँ पे आरएएन वर्सेस जेएम के बीच होने वाला है। जो मैच झारखंड टी20 लीग का थर्ड मैच है, हाईली रिकमेंडेड ओनली फॉर ग्रैंड लीग, टारगेट करो इन मैचेस में, क्योंकि ये मैचेस इतने प्रोफेशनल मुझे लगते नहीं है। तो यहाँ पे हम ग्रैंड लीग ज़्यादा टारगेट करेंगे, तो कुछ एक आधा चेंजेस वगैरह करते हैं, डेफिनेटली ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक आ सकती है। जैसे कि ऑलमोस्ट हमारी सेकंड जो मैच था टी20 में, उसमें हमने ग्रैंड लीग खेली थी, तो बीच में हमारी रैंक टॉप 10 में चल रही थी ग्रैंड लीग में, और वो बात अलग है, बाद में नीचे आ गई, बस टॉप 10 में चल रही थी, तो हमारी ऑलमोस्ट ग्रैंड लीग में रैंक अच्छी चल रही थी। तो इसलिए मैं आपको ये मैचेस हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ग्रैंड लीग खेलो, और स्मॉल लीग में आपकी मर्जी है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा स्मॉल लीग में ज़्यादा इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे इन मैचेस में आप स्मॉल लीग बहुत कम खेलो या फिर इग्नोर करो, ग्रैंड लीग जरूर टारगेट करो। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नया आया हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर। आपको स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ड्रीम इलेवन डॉक्टर, सेम नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है। तो फटाफट जाके क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है ड्रीम इलेवन डॉक्टर के नाम से, उससे जुड़ना कैसा, जो रियल और ओरिजिनल चैनल है उससे जुड़ना कैसा, क्योंकि फेक चैनल अवेलेबल है ड्रीम इलेवन डॉक्टर के नाम से। तो रियल ड्रीम इलेवन डॉक्टर के चैनल से कैसे जुड़ना, आपको वीडियो के नीचे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे या कमेंट बॉक्स होगा नीचे, कमेंट में जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, देन उस पर आप देखोगे 14,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, और ग्रैंड लीग में रैंक 1 की फोटो लगी होगी, वही हमारा टेलीग्राम चैनल, फाइनल अपडेटेड टीम और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ शेयर वहीं होने वाली है। तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड का थर्ड ODI के मैच की वीडियो वो भी अपलोड कर दिया, फटाफट जाके आप देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है और ड्रीम इलेवन में आप करियर में अच्छा खासा लंबे टाइम में पैसा अर्न करना चाहते हो, तो यहाँ पे आई बटन में ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जैसे आई बटन पर क्लिक करोगे एक वीडियो खुलेगी, तो देन आप उसको ज्वाइन कर लेना, तो आप वो वीडियो खुल जाएगी, तो देन आप उस वीडियो को देख लेना, तो बहुत अच्छी वीडियो है आपके लिए। आई थिंक ड्रीम इलेवन में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी लॉन्ग टाइम में अगर आप उसको देखते हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो यहाँ पे स्टैट्स मैंने आपको ये स्टैट्स वगैरह दे दिए ताकि आपकी हेल्प हो जाए, अगर कोई ऐसा प्लेयर खेलता है जो अभी तक खेला नहीं है कल वाले मैच में और लाइनअप के बाहर से आता है, तो आपकी यहाँ पे हेल्प हो सकती है, उस प्लेयर को देख के आप उसके स्टैट्स लेके अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए स्टैट्स मैंने इसलिए अवेलेबल करवाए हैं। एस मोहन की बात करें तो ये रहा 3 मैच में 20 रन है। सेन की बात करें 1 मैच में 46, यहाँ बात करें ए सिंह की तो यहाँ पे 11 मैच में 294 रन है, 2 विकेट है, और कल इसने 2 ओवर भी डाले, तो इसलिए पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। देन यहाँ पे बात कर रहा था पी कुमार विकेट कीपिंग कर रहा है, तो 2 मैच आई थिंक पी कुमार, तो यहाँ से आपको पी कुमार विकेट कीपिंग करता दिख जाएगा। बात करें आर कुमार की, 5 मैच में 316 रन 10 विकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है आपके लिए, स्पेशली ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना आर कुमार को। अभी स्कोर कार्ड दिखेंगे तब इनकी कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं, स्कोर कार्ड पहले दिखाता हूँ ताकि आपको एक लाइनअप सेट हो जाए माइंड में कौन सा प्लेयर कौन से डाउन पे आ रहा है। शिखर मोहन की बात करें टॉप ऑर्डर में ओपनिंग करने आएगा यहाँ पे आर्यमान सेन के साथ, जो शिखर मोहन पहले मैच में 0 पे आउट हो गया और आर्यमान सेन ने काफी अच्छी बैटिंग करी, 46 रन की इनिंग खेली है। देन आता आदित्य सिंह की बात करें तो फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आया प्लस बॉलिंग भी करेगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस हो सकता है कैप्टन वगैरह के लिए। पी कुमार की बात करें तो यहाँ पे 4 रन आपके 4 रन मार के गया है, सेकंड डाउन बैटिंग करना है। रॉनी कुमार की बात करें 20 रन मार के गया है, आई थिंक इसने बॉलिंग नहीं करी, अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है बॉलिंग में ग्रैंड लीग में स्पेशली। बात करें हर्ष कुमार की तो हर्ष राणा की तो यहाँ पे 9 रन आई थिंक इसने बॉलिंग करी है, और सुमन दत्त सिंह की बात करें 9 रन मार के गया, विवेकानंद तिवारी की बात करें 4 रन, और मनीषी की बात करें तो यहाँ पे 2 रन बाकी आता है, एस प्रजापति और पीके सिंह की बैटिंग नहीं आई। तो आपको बॉलिंग दिखाते किस किस ने करी है, तो बॉलिंग करी आदित्य सिंह जो फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आया और रन भी मारे 23, तो आई थिंक आपके लिए कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट चॉइस होने वाली है वो आदित्य सिंह। पी कुमार सिंह की बात करें तो यहाँ पे आप पी कुमार सिंह 4 ओवर में 23 रन यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, यहाँ पे पी कुमार सिंह यहाँ पे देखोगे तो ये पी कुमार सिंह, ये तो इसने भी 4 ओवर डाले और पूरे अपने ओवर पी कुमार, अच्छा ये रहा पी कुमार सिंह जो है, तो जरा यहाँ पे नेम के कन्फ्यूजन से बच के रहना, सारे पी कुमार सिंह लेंगे तो यहाँ पे आपको ये बॉलिंग वाला पी कुमार सिंह है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रख के चलना, इसने बॉलिंग करी है 2 ओवर। देन आप तीसरा बॉलर देखने चलोगे, तीसरा बॉलर आपको दिख जाएगा यहाँ पे इनकी टीम से, विवेकानंद तिवारी, देन हर्ष राणा, मनीषी, तो ये तो क्लियर है 3 प्लेयर। और अब इनके देखते हैं स्टैट्स, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे एस मोहन ने यहाँ पे ओपन करने आया था ए सेन के साथ, देन ए सिंह आया, देन आएगा पी कुमार, देन आएगा आर कुमार, जिसके स्टैट देख सकते हो बहुत अच्छे, बॉलिंग करी नहीं, तो आप देख सकते हो अगर ये बॉलिंग करवाएगा तो कितने ज़्यादा स्टैट्स है, 5 मैच में 10 विकेट, तो ऑलमोस्ट पर मैच में 2 विकेट देने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए अपनी टीम में इसको मिस मत करना ग्रैंड लीग में, और कैप्टन का वगैरह ट्राई कर सकते हो, अगर मतलब बाई चांस बॉलिंग कर जाए तो अच्छे खासे विकेट दे सकता है, प्लस थर्ड ऑन बैटिंग करने आ रहा है, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए ग्रैंड लीग पर्पज के लिए हो सकता है यहाँ पे आर कुमार।
राणा करने वाले, राणा के देख सकते हो यहाँ पे 11 मैच में 9 विकेट से, दत्त सिंह के देख सकते हो यहाँ पे 34 मैच इसमें 23 विकेट 23 रन, 23 विकेट आई थिंक विकेट से 23 रन नहीं है, विकेट से ही है, रन इसके साथ साथ 37 है और 23 विकेट से हैं। विवेकानंद तिवारी के 2 मैच में 2 विकेट, मनीषी के 4 मैच में 7 विकेट, और यहाँ पे प्रजापति के हैं, यहाँ पे कल आई थिंक इससे बॉलिंग करवाई, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, प्रजापति को कल खिलाया पर इससे बॉलिंग नहीं करवाई, तो आपके लिए कल ये अगर बाई चांस खेलता तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, क्योंकि बॉलिंग कर सकता है, पर भी सब बहुत अच्छे बॉलिंग स्टैट्स भी है, 20 मैच में 22 विकेट्स हैं, तो यहाँ पे आपके लिए हो सकता है ग्रैंड लीग में तुरुपका इक्का, ये प्रजापति और ये आर कुमार, दो बंदे, देन पी कुमार सिंह ने 2 ओवर करे हैं। यहाँ पे बात करें जेएम की, तो यहाँ पे जेएम के बारे में इनके पहले स्कोर कार्ड देखते हैं फिर इनके स्टैट्स पे आते हैं। वी कुमार आपको ओपन करता दिख जाएगा, देन ओपन करता दिखेगा आर्यन हुड्डा जिसने बहुत अच्छी बैटिंग करी, 50+ स्कोर किया। वी कुमार ने भी अच्छी बैटिंग करी बट थोड़ी स्लो बैटिंग करी, 28 बॉलों में 20 रन, इसने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी। श्रीशत सागर की बात करें तो यहाँ पे 24 मैच में 28 रन है, कैप्टन है इनका। अतुल सरवार ने 10 बॉलों पर 7 रन मारे। यहाँ पे राहिल खान की बात करें तो यहाँ पे 2 रन मार के गया, पप्पू सिंह ने विकेट कीपिंग कर रहा है जो, उसने 7 रन मारे हैं 2 बॉल पे, एक छक्का जिसमें मारा था। यहाँ पे बात करें आप आने वाले हैं बॉलिंग में, तो यहाँ पे आशीष कुमार इनको आपकी इनकी टीम से बॉलिंग करता दिख सकता है, जो को आशीष कुमार जो ये है ये रहा आपको दिख सकता है, देन आपको दिखने वाला है यहाँ से आशीष कुमार के साथ जसकरण सिंह, संकट मोचन। संकट मोचन तो आज तक आई थिंक मैंने हनुमान चालीसा में पढ़ा था, चलो किसी ने नाम रखा, वेल डन। तो यहाँ पे बात करें संकट मोचन ने 4 ओवर डाले यहाँ पे 38 रन, और यहाँ पे 4 ओवर में 35 रन जसकरण सिंह। यहाँ बात करें आशीष कुमार, अतुल सरवार जिसने बैटिंग मिडल ऑर्डर में करी थी, और राहुल प्रसाद ने 4 ओवर डाले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अतुल सरवार आपके लिए एक अच्छी खासी पिक बन सकता है ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन वगैरह के लिए, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहा है। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो बाकी आप नीचे देख सकते हो जो जिनके 4 बॉलर थे वो आप चेक कर सकते हो, प्रसाद है, कुमार है, जय सिंह है, और मोचन है। तो आप फटाफट से इनके स्टैट्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो एच डी वी है, कल मैंने आपको स्टैट्स के बारे में कुछ बोला था कि ये स्टैट्स मुझे थोड़े डाउटफुल लग रहे, तो आई थिंक वो बिल्कुल सही निकले, तो कोई परफॉर्मेंस का मौका मिला ही नहीं। देन बात करें अतुल सरवार ने 4 ओवर करे और 2 ओवर, चार पूरे 4 ओवर कंप्लीट करे अपने, तो यहाँ पे आने वाला है ए सिंह सरवार की बात करें, यहाँ पे 12 मैचेस में से 47 रन है, 36 की एवरेज है, बैटिंग से काफ़ी अच्छी एवरेज है, और 12 मैच में 7 विकेट्स भी है, तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है। कल मैंने लिखा था कि ओपन कर सकता है पर ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता दिख जाएगा आपको। ये बात करेंगे अगर ए कुमार की बात करें, तो ए कुमार को आपको देख लिया होगा अपने स्टैट्स के, यहाँ पे प्रसाद के, और मैंने बॉलिंग के साइन बनाए जिन्होंने बॉलिंग करी, तो ये 5 बॉलर्स ने बॉलिंग करी है। यहाँ पे अगर नसीम खेलता हुआ दिखता है तो आपको अच्छे खासे बॉलिंग ऑप्शन मिल सकता है अगर वो खेलेगा तो, 16 मैच में 23 विकेट्स हैं। यहाँ पे जी मिश्रा के 3 मैच में 3 विकेट्स हैं, तो अगर नसीम जरूर खेलेगा तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करके चला नसीम को। और बात करें यहाँ पे आने वाले आपके लिए हुड्डा, बहुत अच्छा ऑप्शन है, फॉर्म में भी है, तो आपको ये स्टैट्स देखने हैं। अगर कोई ऐसा प्लेयर दिखता है आपको बाद में लाइनअप के जो कल खेला ही था और उसके स्टैट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो ये स्टैट्स आप यूज़ कर सकते हो और टीम बना सकते हो ग्रैंड लीग के। अच्छा तो फटाफट से टीम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम, पहले कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है, सरवार सरवार है, और बात करें ए सिंह है, हुड्डा है, देन आपके लिए होने वाला है, आपको मैं सारे पहले पहले प्लेयर इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन कौन से कवर करने हैं। नार सिंह यहाँ पे आने वाला, ए सिंह, जसकरण सिंह 4 ओवर डालेगा, वी आनंद हो सकता है, मनीषी हो गया, राणा हो गया। तो अगर आप बॉलिंग को फॉलो करोगे, बॉलिंग में स्टैट्स किसके अच्छे हैं, यहाँ पे जय सिंह के अच्छे हैं, मोचन के अवेलेबल नहीं है। देन बात करेंगे आपके लिए यहाँ पे प्रसाद के स्टैट्स अच्छे हैं, मैं तो प्रसाद को लूँगा, आर प्रसाद, ए कुमार और सरवार। तो फिलहाल मैंने आपको ये टीम बेस बना के दी, ये टीम के साथ मैं शायद मैं ग्रैंड लीग में कुछ भी होगा चेंजेस टीम में करूंगा, स्मॉल लीग के आई थिंक मेरे से ख्याल से परफेक्ट टीम हो सकती है। यहाँ पे मैंने रोनी कुमार को बैटिंग ऑर्डर में डाला बट इसके मैंने आपको दिखाया 5 मैच में 10 विकेट्स और बैटिंग में काफ़ी अच्छे एवरेज। अब कल बॉलिंग नहीं करी, क्या पता टीम बॉलिंग दे, अच्छा खासा प्लेयर है, ऑलराउंडर है अपनी टीम में, मैंने इसलिए इसको लेके गया हूँ। सरवार की बात करें तो इसके बारे में कोई बोलने की जरूरत नहीं, ज़्यादा 2 पूरे 4 ओवर करेगा, प्लस मिडिल ऑर्डर है, बैटिंग करने वाला है, ये अपने पूरे 4 ओवर करते दिख जाएगा। यहाँ बात करें आपके लिए सेन ओपन करते हुए दिख जाएगा, वी कुमार ओपन करता हुआ दिख जाएगा, ए हुड्डा ओपन करता हुआ दिख जाएगा, और यहाँ बात करें आते सागर आपको फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए दिख जाएगा, जय सिंह 4 ओवर डालेगा, मनीषी 4 डालेगा, विवेकानंद 4 डालेगा। आपको करना क्या है, ये स्मॉल लीग की टीम बना, तो आपको कैप्टन करके चलना है यहाँ पे ए सिंह के साथ, आदित्य सिंह के साथ वाइट कैप्टन मैं आपको बोलूंगा, सरवार के साथ जाओ, तो आई थिंक ये दो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी आपको वाइस कैप्टन ट्राई करना, तो आप क्या कर सकते हो वाइस कैप्टन में, यहाँ पे ए हुड्डा के साथ जा सकते हो। आपको ग्रैंड लीग में क्या टीम बनानी है, आपको कॉम्बिनेशन क्या ट्राई करना है, सिंपली आपको करना है यहाँ पे एक क्लोन लेना है, और यहाँ पे फिलहाल ये जा रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक प्लेयर जिसको ट्राई करना है शायद आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, उसकी जगह मोहन ट्राई कर सकते हो जो कि ओपन करने आएगा, तो यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हो, ओम मोहन को। और बॉलिंग में आनंद की जगह आप
नसीम खेलता है इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, तो मैंने आपको बताया कि जो प्लेयर अगर खेलते हैं तो वो टॉस के बाद ही पता चलेगा कौन खेल रहा है। तो राणा को लेके चल रहा हूँ, तो ग्रैंड लीग में आप ये टाइम ट्राई कर सकते हो, इससे वाइस कैप्टन वगैरह ग्रैंड लीग में ट्राई करना, और हुड्डा वगैरह को ट्राई करना, और एक एक कुमार को नहीं, यहाँ पे हुड्डा को ट्राई करना और इसको ट्राई करना। तो फिलहाल ये चार प्लेयर के आप कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में आप यहाँ पे इन दोनों के साथ प्रेफर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो आई थिंक मेरी वीडियोज़ में इतना ही रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली एक लाइक करना मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना, उसको दबाने के बाद आपको घंटी दिखाई देगी, बेल आइकन दिखाई देगा उसको दबाना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन या मैसेज आपको सबसे पहले आए जब भी वीडियो अपलोड करूँगा। और वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट में क्वेश्चन पूछो सबका रिप्लाई करने वाला हूँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट जहां करते हैं वहां जाके देखना, सबसे ऊपर हमारा लिंक मिल जाएगा। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, देन आप उसको ज्वाइन कर लेना। 14,500 सब्सक्राइबर्स होंगे, ग्रैंड लिंक में रैंक 1 की फोटो लगेगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।